नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तूफान पूरी तरह उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। जानकारी के मुताबिक यह चक्रवाती तूफान आज दोपहर से शाम तक बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है और इसके मद्देनज़र मौसम विभाग ने पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु और पांडिचेरी से लेकर के आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ओडिशा के तटीय जिले हाई अलर्ट पर हैं। इस मामले में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के अन्य विशेषज्ञ, लेकिन हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के सामने इस समय एक नई समस्या आन खड़ी है। अभी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये तूफान अपना कहर बरपा रहा है। ये समस्या बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान के रूप में खड़ी हुई है, जिसे अम्फान नाम दिया गया है। ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार के प्रभावित क्षेत्रों में ट्रेन न चलाने का निवेदन किया है। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 12 तटीय जिलों को भी अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 12 घंटे में ये तूफान अधिक खतरनाक रूप ले सकता है, इसलिए ओडिशा सरकार ने 12 जिलों को अलर्ट घोषित किया है। बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है और इसी की वजह से ओडिशा बंगाल में दो दिनों तक भारी बरसात भी हुई। मौसम विभाग ने कहा था कि 20 मई तक ये दोनों राज्यों को पार कर जाएगा। पश्चिम बंगाल के मछुआरों को चेतावनी भी दी गई है कि वे 18 से 21 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाएं। पूर्वी नौसेना कमान के अलर्ट पर हैं। विशाखापट्टनम में भी भारतीय नौसेना के जहाज अलर्ट मोड में हैं और जहाज़ों को अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर्स और राहत सामग्री तैयार की गई है। इन सभी में खाने का सामान, तंबू, कपड़े तथा दवाएं और कंबल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में भी पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत कार्यों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए जेमिनी बोट्स तथा मेडिकल टीमों के साथ साथ बचाव दल भी तैयार किया गया है। भारत के मौसम विभाग की ओर से एक बुलेटिन जारी किया गया है और उसके अनुसार मौसम विज्ञान की ओर से यह अलर्ट पूरे देश में बताया गया है। पिछले 6 घंटे से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग और आसपास के क्षेत्रों में और उनके ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब तूफान अम्फान का रूप ले चुका है। ओडिशा सरकार ने राज्य के तटीय इलाकों से होकर गुजरने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को 3 से 4 दिन के लिए निलंबित करने की मांग की है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।